नमस्कार, मैं हूं विकी। आप देख रहे हैं आर्ट बालाघाट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट चिल्ड्रन किड्स फोटोज, एडिट फोटोज ऑफ सीसी इन हिंदी। आज हम समझेंगे कि बच्चों की फोटो को किस बैकग्राउंड में कैसे एडिट करना है। ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल हमने बनाए हुए हैं, वहां पर आपको बेस्ट तरीके की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर मैं आज आपको कुछ दूसरी चीजों के साथ शेयर करूंगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें ऐसी समझनी होती है, बताया मैंने बहुत सारी चीजों को, लेकिन वहां पर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती जो कि ना समझ में आए। हर बार एक नई चीजों को समझना जरूरी है, कुछ ना कुछ में से कुछ ना कुछ चीजें जरूर समझ में आएगी। तो बने रहिए आप हमारे साथ, और अभी तक आपने हमारा चैनल आर्ट बालाघाट का सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप रेगुलर फोटो सबसे रिलेटेड वीडियोस, प्रीमियम क्वालिटी का कंटेंट यहां पर देखने को मिलेगा। तो देखते हैं यहां पर मैंने क्या प्रोसेस लिया है, कैसे कैसे चीजें काम करेगी। अगर आपको पीएचडी फाइल डाउनलोड करना है तो आर्ट बालाघाट की वेबसाइट चेक कर सकते हैं, वर्किंग मेंटेनेंस में है वेबसाइट। अगर मेंटेनेंस हो गया हो तो आपको चीजें प्रोवाइड हो जाएगी, नहीं मिल पाती है तो समझ लो कि वर्क में चल रहा है, प्रोग्रेस में है, सारी चीजों पर वर्क किया जा रहा है। और नहीं तो फिर इंटरनेट की मदद से आप बिल्कुल बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे, अच्छी चीजों को डाउनलोड करके अच्छे से चला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आर्ट बालाघाट की वेबसाइट या मेरे द्वारा दी गई पीएचडी फाइलों को यूज करोगे। जैसे यहां पर हम 2016 की पीएचडी का यूज कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी पीएचडी भी है, तो यहां पर चीजों को सुधारा जा सकता है और भी सारी चीजों को अच्छे से किया जा सकता है। इस फोटो को सिंगल क्लिक में कॉपी पेस्ट करूंगा मैं। कॉपी पेस्ट करने का 50 तरीका मैंने बता दिया ऑलरेडी। यहां पर मैं इस टूल को सिलेक्ट करूंगा और यहां से आऊंगा इधर डब्ल्यू टूल में, मैजिक वांड टूल में आऊंगा। यहां से देख लेंगे चेक बॉक्स में क्लिक, और यहां से पेस्ट स्पेशल में आके यहां पेस्ट कर दूंगा मैं, या कंट्रोल अल्टर शिफ्ट के साथ ही प्रेस कर सकते हो आप। देखेंगे यहां पर आ गया और ये फोटो फिक्स हो गई। ध्यान से देखेंगे, अगर यहां लगता है कि स्टॉक देना चाहिए तो स्टॉक देने के लिए यहां पर रखेंगे इस वाली फोटो में सिलेक्टेड, और यहां से आएंगे स्टॉक में, लोड लोकेशन में इंटर कर दिया, और यहां से स्टॉक में क्लिक करके स्टॉक कर देंगे इनसाइड में, ओके कर देंगे। बस ये देखेंगे स्टॉक यहां पर लग चुका है। लग जाने के बाद स्टॉक एक और फोटो है जो कि पीएनजी है, तो इसको सिंगल क्लिक में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये कटिंग टूल क्या है, कैसे काम करता है, कौन से टूल को कैसे चलाना है, ऑलरेडी मैंने सारी चीजों को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तरह से समझाया। यार जाके देखो आर्ट बालाघाट में, वेबसाइट चेक करो, तो भी नहीं समझ में आती तो इंस्टाग्राम पे आके मुझसे सवाल जवाब कर पाओगे, सारी चीजें बता दूंगा। तो यहां पर देखेंगे इस फोटो को मूव करा के ला लिया मैंने, अब मुझे लगता है ठीक ही है, लेकिन इधर हॉरिजेंटली इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इस तरफ से। अब ये ट्रांसफॉर्म कैसे किया, यहां पर आएंगे, अगर ये चीज नहीं मिलता है यहां क्लिक रखेंगे और इसको यहां फ्री ट्रांसफॉर्म में क्लिक रख देंगे, और अब आप देखेंगे कि प्रीमियम क्वालिटी की चीज यहां पर नजर आने लगा। और यहां से आप इस बच्चे को जो चाहते हैं उस टाइप से डिजाइन, जैसे मुझे यहां चाहिए कि यहां 2016 के पहले पहले आ जाए, और यहां से ये इधर थोड़ा बड़ा भी हो जाए, बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी की चीज यहां पर देखने को मिलेगी। अब अगर आप इसको प्रिंट आउट मारेंगे किसी भी रेंडम, एक फोटो हो, दो फोटो हो, फोटो थोड़ी सी डल हो, या फिर किसी टाइप्स ऑफ में फोटो हो सकती है, उस चीज को कैसे बनाना इसका मेथड यहां पर बताया। इसके बाद में आप बैकग्राउंड में डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस चीज को थंबनेल में लगाने वाला हूं, क्योंकि यह चीज मुझे लगता है काफी बेहतर, लोगों को नहीं पता है, बाकी लोगों के साथ शेयर करेंगे। और यार 12x36 माजदा एल्बम या फिर फोटो बुक या कोई भी एनीबडी सॉफ्टवेयराइज चीज है या फिर एल्बम राइज चीज है, कोई भी चीज हो, उस चीज के लिए आप बिल्कुल आर्ट बालाघाट के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको प्रीमियम क्वालिटी का कंटेंट देखने को मिलेगा। तो बस यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो, सॉफ्टवेयर चाहिए, इंस्टाग्राम पे आओ, तुरंत भाई बैठा है, सारी चीजों का जवाब देगा, बिल्कुल चीपेस्ट प्राइस में आपको अवेलेबल करा देगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, जय भीम।